हे फ्रेंड्स, फ्लैटेक जोन में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं कि हम स्मार्ट आर्ट कैसे इंसर्ट करते हैं एमएस वर्ड में। ये बहुत इजी है, ज़्यादा बड़ा ट्यूटोरियल है, थोड़ा सा बड़ा ट्यूटोरियल है मगर इजी है। स्मार्ट आर्ट मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है आपका, तो आप इंसर्ट कर सकते हो। कोई भी प्रोसेस है, जैसे आप कितनी बार बुक्स में देख तो प्रोसेस लिखे होते हैं, तो वो कैसे बनते हैं, वो बुक्स में वो इसके थ्रू बनते हैं, वो इनके थ्रू बनाते हैं प्रोसेस। प्रोसेस में जो डायग्राम्स बनाते हैं, ये साइकिल है, हायरार्की है, रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है, पिक्चर्स है, बहुत सारे हैं। और office.com में जाओगे तो और भी मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, और जैसे ही आप इंसर्ट करोगे डिज़ाइन और फॉर्मेट दो चीज़ें ओपन हो जाएंगी। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी ई, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो आपका वो जो प्रोजेक्ट है, जो आपको लिखना है वो लिखना, ठीक है ना। अब इसको सेलेक्ट करना, पर्टिकुलर सेलेक्ट ऐसा होता है, जैसे ये कर रहा हूँ, इंडिविजुअल सेलेक्ट, पर्टिकुलर सेलेक्ट, और पूरा सेलेक्ट करना है, होल सेलेक्ट करना है, तो ऐसे करना, ठीक है। होल सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने इंसर्ट किया था। अब मैं इसको और भी तरीके से ले सकता हूँ, जैसे इस तरीके से ले सकता हूँ, 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 जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मैं ले सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो लेआउट आप कोई भी ले सकते हो, बहुत सारे लेआउट है, इस तरीके से ले सकता हूँ। देखा, अब मेरे को ये जैसे ए बी सी, अब मेरे को इधर की तरफ लेना है, तो मैं क्या करूँगा, राइट टू लेफ्ट कर दूंगा। देखा, आ गया राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब जैसे ये है, इधर तो राइट टू लेफ्ट बन नहीं रहा है, तो ऐसे बहुत सारी है, बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। इसमें राइट टू लेफ्ट ऐसे करेंगे तो ए इधर चला गया, सी इधर चला गया, ई डी ऐसे चला गया, और इसको ऐसे कर दोगे तो मतलब लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, वापस से एकदम सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे इसको सेलेक्ट करोगे तो मूव अप करोगे तो ये ऐसे चेंज हो गया, मूव डाउन करोगे तो वापस से चेंज हो गया, मूव अप करो तो ये चेंज हो गया, मूव डाउन करो तो ये चेंज हो गया, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो शेप चेंज करना, ठीक है, शेप चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, डिज़ाइन में जाके एड शेप कर सकते हो, और यहाँ पे शेप आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि सी के बाद शेप आ जाए तो मैं एड शेप कर दूंगा, तो ये यहाँ पे आ गया। मैं चाहता हूँ डी के बाद शेप आ जाए तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो आ गया, तो आप शेप ऐड कर सकते हो। मैं चाहता हूँ ई के बाद एक और शेप आ जाए तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटी सी चीज़ है, इसको बुलेट में ले सकते हैं, ठीक है, आ गया बुलेट में, ठीक है। देखा हमने कैसे ए छोटा हो गया, और करोगे तो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बुलेट लिस्ट है, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ, वापस से मैं इंसर्ट करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब डिज़ाइन में वापस जाना, मूव अप डाउन और राइट लेफ्ट, ये एड शेप मैंने सब बता दिया, एड बुलेट बता दिया, ठीक है ना। अब क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ये करोगे आप लेआउट भी चेंज कर सकते हो, इसका शेप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और चेंजेस करें, ठीक है, जैसे कलर चेंजेस हो रहे हैं। देखा हमने स्मार्ट स्टाइल बता रहे हैं, ठीक है, जैसे ये है। अब इसमें मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, जैसे ये कर देता हूँ मैं, ठीक है, तो ये अच्छा लग रहा है, ऐसे कर सकता हूँ पूरा, ये कर सकते हैं, तो वो अपने हिसाब से वो पूरा कलर चेंज कर रहा है, ऐसे कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। और आपको रिसेट करना है ब्लू, तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, रिसेट मतलब पूरा जैसा था वैसा हो जाएगा। ये याद रखना, लेआउट चेंज नहीं होगा फ्रेंड्स, सिर्फ स्मार्ट स्टाइल चेंज होगी, ये सिर्फ स्मार्ट स्टाइल के लिए, लेआउट चेंज नहीं होगा, लेआउट वैसा का वैसा रहेगा। अब मैं रिसेट करूँ तो नहीं हुआ, मगर जब मैं कलर करूँगा इसमें, ठीक है, अब मैं रिसेट करूँगा तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ है।
तो ये इजी है, कुछ है नहीं ऐसा। कलर चेंज करना है, लेआउट चेंज करना है तो आप कर सकते हो, मूव अप एंड डाउन, राइट लेफ्ट, ये सब। ये मैं अभी कुछ और चीज़ें बताऊंगा आपको। फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं आप, जैसे मैंने ए को सेलेक्ट कर लिया और ए को ऐसे दे सकते हैं, ये सब कैसे देंगे। एक मिनट फ्रेंड्स, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अब मैं इसको वाइट ले सकता हूँ, ठीक है। इसकी आउटलाइन ले सकता हूँ, आउटलाइन मैं ब्लू दे देता हूँ, ठीक है। ये देखा आपने, आउटलाइन ब्लू हो गई। इसमें शेप फिल कर सकते हैं, मैं इसको ऑरेंज दे देता हूँ। गोल्ड है, गोल्ड दे सकते हैं, इसको ऐसा दे सकते हैं, ग्रीन दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको मैं शेडो में दे सकता हूँ, ग्लू दे सकता हूँ। ये देखा ग्लू आ रहा है, आप देख रहे हो। तो आप पर्टिकुलरली आप कैसे भी कर सकते हो, इसको ले लो, आप इसको ले लो, शेप आउटलाइन दे दो, कोई भी शेप फिल कर दो इसको, जैसे कोई भी कलर ले लो, शेप का इफेक्ट ग्लो दे दो और ऐसा कर सकते हैं। तो एक एक को हम चेंजेस कर सकते हैं, जैसा हम हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को कैसे और अच्छा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं। ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, एक एक चीज को चेंज करना है तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अंदर कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। अगर आपको जैसे कुछ लिखना है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे को टेक्स्ट पेंट में लिखना है ए बी सी डी, ठीक है ना। ये टेक्स्ट पेंट है बी सी डी ई, ठीक है। इधर आप जो लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया, ये होता है टेक्स्ट पेंट, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया क्या चीज होती है। वापस इसे सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये थोड़ा सा लुक में अच्छा लगे तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें टेक्स्ट फिल कर सकते हो, देखा हमने कैसे टेक्स्ट फिल हो रहा है। वो किसके अंदर हो रहा है फ्रेंड्स, वो टेक्स्ट के अंदर हो रहा है, ठीक है। टेक्स्ट की आउटलाइन दे सकते हो, टेक्स्ट की आउटलाइन थोड़ी दिखती नहीं है ढंग से। अब जैसे ब्लू किया है मैंने, ब्लू इतना दिख नहीं रहा है, ग्लो दे सकते हो, टेक्स्ट को ग्लो दे रहा है। मैं इस बॉक्स को ग्लो नहीं दे रहा हूँ, मैं टेक्स्ट को ग्लो दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट में जो भी मैं कर रहा हूँ चेंजेस, वर्ड आर्ट स्टाइल, वर्ड्स में हो रहा है, ये शेप हो रहा है, ये जो शेप बना हुआ है उसके अंदर चेंजेस हो रहा है, ठीक है। अब मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ, मैं इसकी साइज इंक्रीज कर सकता हूँ, हाइट, देखा सिर्फ इसकी इंक्रीज हो रही है क्योंकि मैंने सिर्फ इसको सेलेक्ट किया है फ्रेंड्स, और किसी को सेलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। अब देखो, तो ऐसा मैं अपने हिसाब से कैसे भी करके कर सकता हूँ। ये आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट लोगे, ठीक है, तो सब में होगा, ठीक है। जो भी लोग हैं सबके अंदर है ये सब चीज़, ठीक है। सिर्फ इसी के अंदर नहीं हो रहा, आप सबके अंदर कर सकते हो। तो इजी है ये, कुछ है नहीं ऐसा। लार्जर और लार्जर कर सकते हो, और लार्जर कर सकते हो, स्मॉलर कर सकते हो, स्मॉलर कर सकते हो, स्मॉलर कर सकते हो, ठीक है। अब आप चाहते हो, मैं चाहता हूँ यार कि ये एकदम तीनों सही शेप है, मैं चाहता हूँ कि इसका शेप अलग हो जाए, इसका शेप अलग हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, चेंज शेप पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। देखा हमें हुआ, थोड़ा सा और डिफरेंट करता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ चेंज हो रहा है। ये स्माइली वाला दे देता हूँ, ठीक है, और लव वाला दे सकते हैं, ठीक है। ये और किसी में नहीं हो रहा है, सिर्फ इसमें हो रहा है। आप सिर्फ एक को सेलेक्ट करो और चेंज शेप करो, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो बहुत इजी है ये, सिर्फ आपको पढ़ना है कि हाँ कि कैसे डिज़ाइन में मैंने लेआउट चेंज किया, कलर चेंज किया और ये सब चेंज किया और रिसेट किया, ठीक है। मूव अप एंड डाउन किया, ये कर दिया, मूव अप कर दिया तो ये ऐसा हो गया, मूव डाउन किया वापस से वैसा हो गया। जैसा आप चाहते हो डिमोट कर सकते हो इनको, डिमोट में ऐसा हो जाएगा और वो चीज़ हट जाएगी। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ और डिमोट करूँ तो वो चीज़ हट जाएगी। प्रमोट करोगे तो वापस से वैसा हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करो, ठीक है, इसे जब बैक कर लो, आप बैक भी कर सकते हो, फिर प्रमोट करो, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी है, इसमें शेप कैसे ऐड करते हैं, बुलेट मैंने बता दिया, टेक्स्ट राइट लेफ्ट अप एंड डाउन प्रमोट, ठीक है। ये वाला लेआउट ये यहीं पर है लेआउट, तो सारा पॉइंट यहाँ पर आ चुका है, आप चेंज कर सकते हो ऐसे शेप, जैसे ये चेंज हो गया सब शेप, ठीक है। फिर आप यहाँ पे ऐसे करके फिर चेंज कर सकते हो कलर जैसा आप चाहते हो, ठीक है। फॉर्मेट में जाओगे, टेक्स्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो, टेक्स्ट
टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया और फॉर्मेट में जाके उसको शेप दे दो, उसकी फिर आउटलाइन कर सकते हो जैसे ही आप आउटलाइन चाहते हो, ठीक है, उसको ग्लो दे सकते हो, ठीक है, तो आप जैसा चाहते हो वैसा कर सकते हो। और शेप को सेलेक्ट कर लो, शेप को यूं दे दो और फिर शेप की आउटलाइन कर दो और शेप फिल कर दो, ठीक है, शेप फिल भी तो कर सकते हैं, इफेक्ट दे सकते हैं, ग्लो दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इजी है, आप शेप, आप ये कोई बॉक्स सेलेक्ट कर लो, जैसे ये शेप है इसको सेलेक्ट कर लो, इसको इंक्रीज कर दो हाइट, ठीक है, और इसको डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज यूं कर रहे हैं, और विथ को इंक्रीज कर रहे हैं, विथ को कम कर रहे हैं, बस एक पे ही हो रहा है, ये दूसरे पे नहीं हो रहा है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि यार इसका शेप अलग हो जाए, तो चेंज शेप पे जाऊँगा मैं, और स्माइली जैसे लव का है तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी शेप ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये है छोटा सा ट्यूटोरियल और बहुत ईजी है, कुछ है नहीं ऐसा इसमें, मैंने आपको लगभग सारा बता दिया है, सब कुछ हो गया, लेआउट हो गया, स्मार्ट स्टाइल हो गया, कलर कैसे चेंज किया लेआउट का, बुलेट कैसे ऐड किया, मूव अप एंड डाउन, डिमोट, प्रमोट, राइट लेफ्ट, वीडियो ढंग से देखना क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी है, टेक्स्ट की स्टाइल कैसे चेंज किए, आउटलाइन कैसे चेंज किए, साइज और ये, ठीक है ना। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है फ्रेंड्स, थोड़ा सा और है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, ये टैक्स आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये टैक्स इसके साथ भी वर्क करे, ठीक है, तो मैं अरेंज पे जाऊंगा। हाँ फ्रेंड्स, मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ, जैसे ये कर लिया मैंने, और इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ लेफ्ट 90 डिग्री, ये ऐसा आ जाएगा, थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, तो देखना आपको करना है नहीं करना है, आप अपने हिसाब से देखना, वर्टिकल में भी ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना याद रखना, जो रोटेट होगा वो पर्टिकुलर बॉक्स का होगा, पूरे का नहीं होगा, पूरे का करने के लिए आपको अलग से करना पड़ेगा, हर एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम रैपिंग कर सकते हैं, रैपिंग करने के लिए टेक्स्ट, ठीक है, जैसे ये हो गया, आप नीचे लाना चाहते हो नीचे ला सकते हो, ऊपर जैसा आप चाहते हो वैसा आप कर सकते हो, ठीक है ना फ्रेंड्स। और या फिर आप इसको सेलेक्ट कर लो और इधर घुमा दो, ठीक है, जैसा आप चाहते हो। आप कितनी बार बुक्स में देखते होगे कि चार्ट बना हुआ है, साइड में टेक्स्ट लिखे हुए हैं, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब ये देखो, ठीक है, ये हो गया। तो आप ये मैंने वैसे बताया हुआ है पिछली वीडियो में, कैसे अरेंजमेंट करते हैं, कैसे पोजिशन चेंज करते हैं, तो ये ईजी है। रैप टेक्स में थ्रू ले सकते हैं, टाइट ले सकते हैं, जैसा आप चाहें, टॉप एंड बॉटम ले सकते हैं, ठीक है, बिहाइंड टेक्स्ट ले सकते हैं। बिहाइंड टेक्स्ट में इतना याद रखना कि ऐसा बिहाइंड टेक्स्ट हो कि टेक्स्ट दिखे आपको, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ले, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में लोगे तो वो सारा टेक्स्ट हाइड हो जाएगा, तो मतलब नहीं है, ठीक है। मूव विद टेक्स्ट ले सकते हैं, एडिट रैप पॉइंट ले सकते हैं, जैसा आप चाहते हो वैसा ले सकते हैं, जो आपका प्रोजेक्ट है उस हिसाब से आप ले सकते हो। बाकी ये मत चेंज करना, जैसा है वैसा ही रहना देना, और ज़्यादातर टाइट यूज़ होता है और थ्रू यूज़ होता है, ठीक है, स्क्वायर भी होता है, तो ये कर सकते हैं ऐसा। बाकी इसमें और क्या काम का है, अलाइनमेंट काम का है, जैसे मैं इसको मिड में ले लेता हूँ, मिड में तो ही है, बॉटम में ले लेते हैं, बॉटम में है, और बॉटम में मैं सेंटर में चाहता हूँ, इसको सेंटर में ले सकता हूँ, मैं राइट में चाहता हूँ, मैं राइट कर सकता हूँ, लेफ्ट में जाता हूँ पूरा लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ टॉप में जाएंगे और फिर सेंटर में जाए और फिर राइट में जाए, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली भी कर सकते हैं, ठीक है। अलाइन टू पेज करना है
मत करना, बल्कि जो है वैसा ही रहने देना, इसमें भी जैसा है वैसा रहने देना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कर सकते हैं फ्रेंड्स। और रोटेट करना है तो पर्टिकुलर बॉक्स को सेलेक्ट कर लो और वो रोटेट हो जाएगा, बाकी इसमें कोई ऑप्शन काम की नहीं है। रैपटेक्स ये अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट है, रोटेट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कोई नहीं है। सेलेक्ट पेन मतलब आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बताएगा, जैसे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अभी एक ही है, ठीक है, अब मैं इसको हटाना चाहता हूँ, मैं इसको हटा सकता हूँ, मैं इसको ला सकता हूँ वापस से, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैं दो तीन टेबल आउटपुट करूँगा तो यहाँ पे उनके नाम आ जाएंगे अलग से, मैंने इसका नाम रखा नहीं है, इसलिए इसने सिर्फ डायग्राम टू रखा है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये है वीडियो ऑफ स्मार्ट आर्ट, ठीक है ना। तो ये छोटी सी वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये, समझना थोड़ा, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा, ठीक है। हमने कैसे वर्क किया है इसके साथ ये भी हमने देख लिया। ओके फ्रेंड्स, हम इसमें फ़ोटो भी पुट कर सकते हैं अगर आपके पास फ़ोटो ऑनलाइन कनेक्शन हो तो, मेरे पास शायद इंटरनेट अभी ऑफ भी है, ठीक है, नहीं तो फ़ोटो पुट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ये स्मार्ट आर्ट की वीडियो है, देखना ज़रूर इसको, ढंग से कोशिश करना आप समझ सको, वैसे बहुत ईजी में समझाया मैंने, अगर फिर भी नहीं समझ में आया नीचे कमेंट्स में लिखना, मैं वापस से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।